फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं झटपट वेज पिज्जा, वो भी कढ़ाई में बिना ओवन। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। तो अम्मी बोल दी। तो आज अम्मी बनाने वाली है वेज पिज्जा, झटपट फटाफट बनने वाला। हाँ। लेट नहीं, अम्मी जल्दी सही। हाँ, बन जाएगा ना, 15-20 मिनट में रेडी। लेकिन अम्मी जब पिज्जा बना ही रहे तो फिर वेज क्यों बना रहे? थोड़ा चिकन भी डालो। नहीं नहीं, वेज पिज्जा क्या होता है ना, चिकन वाले भी खाते हैं और वेज वाले भी खाते हैं। नहीं नहीं, वेज पिज्जा सिर्फ वेज वाले खाते हैं, चिकन वाले तो चिकन पिज्जा खाएंगे ना। अभी देखो, अम्मी को ना सही बोलूं तो पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फेवरेट है बोल के रोज खाने का चीज़। मेरे को ज्यादा ना, देखो पिज्जा अच्छा लगता है, लेकिन पिज्जा से ज्यादा ना मेरे को बर्गर अच्छा लगता है। वैसे आप भी बता सकते हो कि आप लोगों को भाई क्या पसंद है ये सब चीजों में। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी झटपट वेज पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मैदे का आटा, बटर, दही, पिज्जा सॉस, मोजरेला चीज, शिमला मिर्ची, कॉर्न, टमाटे, प्याज, इनो, पिसी हुई शक्कर, तेल, नमक, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिज्जे का डो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ मैदे का आटा 2 वाटी, यानी कि ये 200 ग्राम आटा है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, यहाँ मैंने ली हूँ पीसी हुई शक्कर, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक, और यहाँ मैंने ली हूँ इनो का पाउच। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो इसमें 1/4 चम्मच सोडा डाल देना और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देना। ठीक है, यहाँ पर मैं इनो डाल रही हूँ इसलिए दोनों चीज़ नहीं डाल रही हूँ। ये झटपट हमारा डो तैयार हो जाएगा। इसके लिए इसको थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दही ली हूँ। ये दही मैंने पैकेट वाला दही ली हूँ, पूरा 1 पैकेट ली हूँ, 200 ग्राम वाला पैकेट आता ना, ये वो ली हूँ। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अब हम ये दही के साथ ये डो तैयार करेंगे। डो हमको थोड़ा सा पतला ही चाहिए, एकदम सख्त डो नहीं तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा दही जाएगा इसमें, ये दही मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी, ये पूरा दही हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने पूरी दही डाल दी हूँ और अच्छे से मिला ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट गूंद लेंगे आटे को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद ली हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिए थे हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल, ये अभी मैं डाल के इसको अच्छे से पटक पटक के गूंदूंगी थोड़ा। आज तो अम्मी का फेवरेट बन रहा है पिज्जा। फेवरेट है बोल के लोग सोचेंगे मैं रोज खाती हूँ, मैं रोज नहीं खाती हूँ। पिज्जा विज्जा पसंद है मुझे, लेकिन कैसा, गर्मा गर्म। और सही बोलो तो ये घर में ही बनता है, तभी गर्मा गर्म खाने। हाँ, मिलता है। ऑर्डर देके 10 बार मंगाए लेकिन वो मजा नहीं आता है, घर पे आए तक ठंडा हो जाता है। इसको मैं इस तरीके से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंदूंगी अभी। तो यहाँ पर हमने आटा अच्छे से गूंद लिए है। अब हम क्या करेंगे, ये आटे को रख देंगे 2 मिनट के लिए ढक के। ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, हमारा ओवन तैयार करते हैं, ये जुगाड़ू ओवन हमारा। आज मम्मी खुश है ना, मस्त। ये देखो, ये रिंग भी रेडी है, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ये चढ़ा दी हूँ टॉप। अब हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा नमक। हमें आराम से हमें बनेगा पिज्जा, खाएंगे अपन, खाएंगे, खाएंगे। ये नमक है ना काला काला हो गया है, क्योंकि मैं हमेशा वापरते रहती हूँ इसके लिए। ठीक है, ऐसा नमक वापरने का, और फिर ऐसा डब्बा है ना मेरे तरह, ऐसा ले लेने का और इसमें डाल के रख देने का बिंदास, और घड़ी घड़ी बनाते रहने का कुछ ना कुछ, है क्या नहीं? देखो मेरे पास भी ओवन है, मैं बना सकती थी उसमें, लेकिन रियाज बोला नहीं नहीं अम्मी उसमें मत बनाओ, क्योंकि सबके पास तो नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी कमेंट्स करो आप लोग ओवन की रेसिपी, तब हम ओवन में जरूर बनाएंगे, मैं उसमें भी आपको पिज्जा बना के बताऊंगी, या फिर कुछ और भी। तो यहाँ पर मैं अभी ये रिंग इस तरह रख दे रही। आप लोग के घर में भी ऐसा होगा, देखो हंडे के नीचे रखने के लिए एक रिंग होती है ना,
इस तरीके से मैंने भी हंडे के नीचे से हटा के लेके आई हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए गर्म होने रखूंगी फुल आंच पे। और यहाँ पे हमने छोटा सा ये फ्राई पैन रखे है। ये क्यों रखे है? क्योंकि हमको ये इसमें बटर ऐड करना है। गिर गिर उस दिन कौन बोल रहा था? ये जीनियापा। बस हम गैस कर देंगे बंद, हमको सिर्फ ये थोड़ा सा पिघालना है और कुछ नहीं। ये पिघल गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे ले लिए है ये एक प्लेट। ये प्लेट में ही हम पिज्जा बनाएंगे, ठीक है। आपके पास प्लेट छोटी हो बड़ी हो आप अपने टोप के हिसाब से देख लेना कि उसमें कौन सी प्लेट बैठ रही है बराबर से, ठीक है। तो ये प्लेट के हिसाब से मेरे यहाँ पे दो पिज्जा बनेंगे, ठीक है ना? दो बेस। हाँ, दो पिज्जा बनेंगे, मतलब ये दो वाटी के। अगर आपका भी दो वाटी आटा है तो इनो पूरा ऐड करना, अगर एक वाटी आटा ले रहे हैं तो आप इनो आधा लेना, और दो वाटी लेंगे तो पूरा डालना जैसा मैंने डाली। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बटर पिघाले ना, बस ये इसके लिए पिघाले हमने, है ना, ताकि ये हमारा जो पिज्जा है वो अच्छे से निकल जाए, चिपके नहीं हमारे बर्तन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेलने वाली नहीं हूँ, सीधा हाथों की मदद से ही मैं इसको गोल करने वाली हूँ, मतलब झटपट कोई जरूरत नहीं है इसको बेलने वेलने की, हम हाथों से ही इसको इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमारा आटा अच्छा नरम है और ये मोटा ही होता है पिज्जा बेस, कोई पतला नहीं होता है रोटी की तरह, तो इसको मोटा मोटा ही रखेंगे थोड़ा सा। और इसमें इनो है तो हम इसको फोक की मदद से जो सुराख करेंगे तो ये ऊपर तक भी पक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हाथों की मदद से गोल कर ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये फोक की मदद से इसको चुभाएंगे, थोड़ा सा सुराख कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें इनो है ना, तो ये पूरी की तरह फूल नहीं जाए इसके लिए। और मजा भी आती है। हाँ, मजा भी आती है पिज्जा खाने में, मजा किसको नहीं आती है, सबको आती है, लेकिन देखो चिकन का पिज्जे में मजा आती है ना। बस ये इस तरीके से मैंने इसके सुराख कर ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये पिज्जा सॉस लगा देंगे। ये रेडीमेड पिज्जा सॉस है, लेकिन मेरे चैनल पे भी मैंने पिज्जा सॉस बना के डाली हूँ वीडियो, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। और ये सॉस जो है ना वो तेज बिल्कुल भी नहीं रहता है, आप ज्यादा लगा सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल तेज नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने सॉस लगा दी हूँ। और ये बता दूं मैं, जिसके पास ये सॉस नहीं है वो बच्चे टमाटो केचप सेजवान चटनी थोड़ी सी चिली फ्लेक और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देना और मिक्स करके लगा लेना, आपका सॉस रेडीमेड तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चीज, ये मोजरेला चीज और चेडर चीज मिक्स है, ब्लेंड चीज है ये, ठीक है, ये दोनों मिला के बनता है। अरे बाप रे, है ना, ये इस तरीके से। अब कभी कभी खाते हैं पिज्जा तो चीज तो बनती है ना भर भर के, तो मैं पहले आराम से पहले चीज डाल दूंगी पूरी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चीज अच्छे से डाल दी हूँ, जितना चाहिए था उतना डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे थोड़ा सा शिमला मिर्ची, शिमला मिर्ची जितना आपको चाहिए थोड़ा कम आप अपने हिसाब से लगा लेना, मैं तो थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा टमाटे, ये तो थोड़ा सा कलरफुल अच्छा दिखता है, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कॉर्न, आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चिकन भी ऐड कर सकते थे ना। हाँ देखो, इसको चिकन तो बराबर भूलता ही नहीं है ये चिकन को, तो ये हम रख देंगे। एक से दो प्याज, आप इसको बारीक बारीक कट कर सकते हैं, ठीक है। बस बस हमें बस बस हो गया। हाँ। छोटा सा पिज्जा एकदम, है ना, नन्ना मुन्ना सा। चलो अब क्या करेंगे हम, फिर से इस पे डालेंगे थोड़ी सी चीज। हाँ सही में मेरा दिल ही नहीं भर रहा है, इस पे डालेंगे थोड़ी सी चीज। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा ओरिगैनो, ये तो पकने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं फिर भी पकने रखने से पहले ही थोड़ा सा डाल रही हूँ। मतलब ये अपुन बनाने का, मतलब कुछ भी डाल देने का। हाँ, हमको जो पसंद है हम वो ऐड कर सकते हैं, घर में पकने का एक यही फायदा होता है। अभी ऐसी मत खा जाना, पहले पका लेते हैं। मम्मी पहले पका लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, ऐसी नहीं खा रही, ऐसा नहीं खा रही। तो यहाँ पर हमारा ये पिज्जा पकने के लिए रेडी है, और यहाँ पे हमारा ओवन ये भी रेडी है। माशाल्लाह गरम रहेगा, माशाल्लाह गरम तो हो ही गया, वाह वाह वाह, देख रहे कैसा भाप निकली एकदम फट करके। तो यहाँ पे हम ना हाथों की मदद से नहीं रखेंगे,
यहाँ पे हम हल्के से पकड़ की मदद से रखेंगे भाई, रिक्स नहीं लेंगे बिल्कुल भी, है ना। बस ये रख दिए हमने अभी बेफिक्री से अंदर। अब यहाँ पे गैस को और फास्ट कर दूंगी मैं और इसको ढक दूंगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी एकदम इसी तरीके से, ठीक है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं पूरे, तो चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देख रहे आप लोग, मस्त पिज्जा मेरा रेडी हो गया है। मैं गैस फटाफट बंद करूंगी और इसको हम फटाफट निकाल लेंगे आराम से एकदम। बिस्मिल्लाह, इसको जरा एक मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे इस पे। तो यहाँ पर एक मिनट मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखी थी, अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। देख रहे आप लोग, झटपट वाला पिज्जा मेरा। हाँ हाँ, मैं समझ रहे, फेवरेट है तुम्हारा। झटपट पिज्जा तैयार, अब हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह, थोड़ा तो सबर करी ना मैंने करी कि नहीं करी? हाँ फिर थोड़ा तो सबर करी ना, अभी फिर भी बोल रहा है हाँ अम्मी हाँ अम्मी हाँ अम्मी। ये हो गया होममेड पिज्जा तैयार। हाँ, होममेड पिज्जा मेरा तैयार, देख रहे आप लोग, गरम गरम। तो दोस्तों, तैयार हो गया अपना होममेड अम्मी का फेवरेट पिज्जा, 15 मिनट वाला पिज्जा। ये देख, 15 मिनट पक्का? हाँ, 15 मिनट में पक गया झटपट पिज्जा, बिना चिकन वाला। इतना अम्मी का खाने का मन फटाफट था ना कि केचप भी लाने भेजे आज मेरे को, बोले तू ऑयल के अंदर डाल के खा लेगा। कौन केचप आगे डाल के खाता है? मैं हमेशा ना पिज्जे में भी ना इसको केचप चाहिए, याद है कि डोमिनोज में भी मिलता है केचप अम्मी। हाँ, ये लेकिन केचप के साथ ही खाता है, सही बात है, लेकिन मैंने अपना चिली फ्लेक्स रखी हूँ साइड में। अम्मी बोले ठंडा हो जाएगा, तू पहले आज खा ले, ठीक है अभी। लेकिन ये हकीकत है, अम्मी का बहुत ही फेवरेट है। जब भी हम लोग मॉल में भी कुछ खाने जाते हैं ना, तो हम लोग हमारे लिए जो ऑर्डर देना है वो देते ही, लेकिन एक पिज्जा अम्मी के लिए मंगा लेते हैं। सब खा लेते, सब खा लेते, मिलता तो एक ही पिज्जा अम्मी को। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं बताओ, मैं तुम कौन सा इसमें से मैं खाऊं बताओ? मैं पहले खाऊंगी। चीज भी देखो बहुत ही मस्त वाला है। तो चलो बिस्मिल्लाह। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भाजी बनाते ना भाजी, तो ऐसा ही लगता है मेरे को अभी। ऐसा लेके खा लूंगी, बिस्मिल्लाह। आराम से आराम से। अच्छा खाएंगे, फूल भी गया और सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हो गया। बहुत से लोगों को क्रिस्पी क्रिस्पी भी पसंद है, अगर हमें क्रिस्पी करना है नीचे का तो बताओ फिर उसके लिए क्या करना, क्या किया जाए? क्रिस्पी करना है तो कोई बात नहीं है, आप उसमें तेल मत डालना भूनने के टाइम। जो मैंने 2 चम्मच तेल मिलाई ना बेस में, ये डो में जो आटा गुनने के टाइम पे जो तेल डाली थी, आप वो तेल हटा देंगे तो ये आपका कुरकुरा बन जाएगा, समझ गया? एक नंबर टेस्ट, बस थोड़ा सा ही फर्क है और ज्यादा नहीं। पिज्जे में जब तक चीज नहीं रहे ना तो पिज्जे में मजा नहीं है। बात करो मैं मैं खा लो, मेरा साइलेंट क्यों हो गया पूरा? देखो ये ठंडा हो जाएगा ना, मजा ही नहीं आएगा। और बिना ओवन के बनाई हूँ, बिना ईस्ट के बनाई हूँ, एक इनो के पाउच से पिज्जा मेरा रेडी हो गया है। हाँ। और जो मैंने 2 वाटी आटा गूंदी थी उसमें मेरे 2 पिज्जा बने हैं ये साइज के। अगर आप 1 वाटी आटा लेंगे मैदे का, तो आधा पाउच इनो का डालना, ठीक है। मैंने 2 वाटी ली थी इसलिए पूरा डाली मैंने, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज मैंने नहीं डाली थी, इसके लिए मैंने इनो यूज करी थी, ठीक है। झटपट वाला पिज्जा बताई मैंने आपको, कोई टेंशन नहीं, कढ़ाई में डालो और आप ये पिज्जे को फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फ्राई पैन या तवे पे भी बना के बताऊंगी। हाँ, ठीक है, तो लूना में खाओ ना? नहीं अब खाओ, अब ये वाला ले लो, दिल भर गया, 1-2 पीस खाने का रहता है बस। आहा, है ना, मजा आ गया। लेकिन ऐसा गरम गरम मिल जाए, थोड़ा ही मिल जाए, ज्यादा तो खाते नहीं अपन। फटाफट क्या, लास्ट में मैंने तुम लोग समझे नहीं, मैं पहले बनने से पहले बोलती थी तू तेरा सेट कर लेना जल्दी बैठने का अपने।
देखो मैं क्यों बोली ऐसा वाला, पिछले बार को ना पिज्जा बनाई थी ना, एसी चालू रहती है और ये आराम से वहाँ पे सेट करेगा, कैमरा लगाएगा और बोला चलो बैठो खाने, क्या खाने बैठो, पूरा ठंडा हो गया। जल्दी कहना मैंने, इसके लिए मैं बोली पिज्जा बना रही हूँ। नहीं हकीकत है, हमें का देखो जल्दी ज्यादा भार होना होता नहीं है, हम लोग बाहर से खाते घर पे लेके भी आते ना तो ठंडा हो जाता है। हाँ। ना खराब हो जाता है उसका, इतना अच्छा नहीं लगता ठंडा होने के बाद। पिज्जा गर्म ही अच्छा लगता है। मैं आज फटाफट गया घर में बनाया तो अभी गर्मा गर्म ही खाने मिला। कितनी अच्छी बनी ना माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी। मैं पूरा उठाई बताऊं ऐसा, पूरा उठाई बताऊं, ये देखो। नहीं सही में बेस बहुत मस्त बना है इसका। तो भाई वीडियो कैसा लगा, ये होममेड आसानी क्रिस्पी चाहिए उसके लिए भी मैं बता दिया, गूंदने के टाइम जो मैंने 2 चम्मच तेल डाली आप ना डालें अगर आपको ये बेस कड़क लगता है, क्योंकि किसी को ना अलग फ्लेवर लगता है। देखो किसी को सॉफ्ट पसंद आता है पिज्जा, किसी को ना हार्ड पसंद आता है कुरकुरे टाइप, तो आप तेल उसमें से इग्नोर कर दीजिए, आपका ये बेस कड़क बनेगा। समझ गए, तो चलते हैं। तो भाई जाने से पहले मतलब पहले तो मैं बोलूंगा, हम वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो अब कब करोगे सब्सक्राइब। देखो अब तो झटपट वाला पिज्जा भी बता दिया, अब क्या बिरयानी बनाऊं मैं, आधे घंटे के अंदर पिज्जा रेडी घर में, आधा घंटा तो पिज्जा ऑर्डर देंगे तो आने में लग जाता है। ये बात है कि यहाँ पे आधे घंटे में और सही में टेस्ट भी अच्छा है, मस्त लग रहा है एकदम फ्रेश फ्रेश। और यहाँ पे हम हमारे घर में जितना चीज चाहिए उतना डाल के, तो ये हम इसीलिए बोल रहे ताकि आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने घर पे बना के खाओ, है ना। और चलो चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चले तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।